शायद आप लोगों को मेरी बात थोड़ी सी कड़वी लगे, लेकिन ध्यान से सुनना, आपसे ज्यादा इज्जत है हमारे पास। पूछो कैसे। आपकी इज्जत एक बार गई तो गई, हम तो रोज रात को इज्जत बेचती है। साली खत्म ही नहीं। अभी तो तुमने बोला I was seeing other people but I would go back to him. तुमको अभी याद नहीं आ रहा? Yeah, no, I can't remember the people. I remember very clearly. आलिया भट्ट बॉलीवुड की इंडस्ट्री का एक ऐसा नाम जिसने 10 साल के अंदर ही पूरे इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया, और बड़ी बड़ी सुपरस्टार्स के लिस्ट में जिसमें श्रीदेवी और ऐश्वर्या राय आती थी उनमें भी अपनी जगह बनाई। आज हम भट्ट परिवार की एक ऐसी बेटी की बात करने वाले हैं जिसके पैदा होते ही लोगों ने इनकी परिवार की हरकतों की वजह से इन्हें बुरी तरह से ट्रोल भी किया। बचपन से एक्ट्रेस बनने का सपना देखने वाली आलिया भट्ट ने कौन सी मूवी से एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट डेब्यू किया, और क्या सच में आलिया एक इंडियन नहीं है? मेल डोमिनेटेड इंडस्ट्री में अपना नाम बनाने वाली आलिया ने किस इंसिडेंट के बाद अपना मजाक खुद शुरू कर दिया, और वो कौन सा डायरेक्टर था जिन्होंने इन्हें 5 साल की उम्र में ही अपनी मूवी में रोल देने से इनकार कर दिया था? हाईवे जैसी फिल्म में अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस देने वाली आलिया भट्ट को सक्सेसफुल बनाने में पंकज त्रिपाठी का क्या रोल है, और क्या आलिया को खुद को ऐसा डम दिखाना एक पब्लिसिटी स्टंट था, और कैसे अपने ठरकी पापा और अपने बहन से अलग इन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई, और रणवीर से पहले कौन सा एक्टर से इनकी शादी भी होने वाली थी? इनकी करियर एनालिसिस से लेकर इनकी अपकमिंग मूवी सबके बारे में विस्तार से चर्चा होगी, और आपके डिमांड पे हमने राइज अप स्टार में एक्टर के साथ साथ एक्ट्रेसेस के ऊपर भी बनानी स्टार्ट की है, और ये इनडेप्थ एनालिसिस वाली हमारी सेकंड वीडियो है। और इस वीडियो के बाद आपको ये बात अच्छे से समझ में आ जाएगी कि क्यों नेपो किड होने के बावजूद भी आलिया ने इतना फेम कमाया और क्यों लोगों ने इग्नोर नहीं कर पाते हैं। तो लगा लो हेडफोन और पकड़ लो कोने वाली सीट। तो भैया इंडियन सिनेमा के स्टार सुपरस्टार्स एक्टर्स के बारे में तो हमने आपको बहुत कुछ बताया, पर आज हम इस जंगल की शेरनियों के बारे में बात करने वाले हैं। और गुरु इस लिस्ट में सबसे ऊपर अगर किसी का नाम आता है तो वो आलिया भट्ट ही है। महेश भट्ट और सोनी राजदान की बेटी आलिया भट्ट ने बहुत कम समय में बॉलीवुड में वो नाम कमाया जिसके लिए कई लोग दिन रात सपने देखते हैं फिर भी उसे पूरा नहीं कर पाते। नेपोटिज्म का प्रोडक्ट होने के बावजूद आलिया ने बॉलीवुड में अपने दम पर नाम और शोहरत कमाई। इवन दीपिका और करीना को कोसों पीछे छोड़ देने वाली आलिया ने शुरू से ही अपनी स्क्रिप्ट चॉइस इतनी तगड़ी रखी एक पल को एक्टर्स भी इनकी मूवीज और परफॉर्मेंस से घबराने लगे। एक के बाद एक सुपरहिट की सीढ़ियों पर चढ़ के आज आलिया भट्ट ने इतना बड़ा नाम कमा लिया कि आज हर एड, हर अवार्ड, हर बड़ी मूवी इनके बिना लगभग अधूरी है। इवन बादशाह से लेकर महानायक भी जिसकी तारीफ करते हुए नहीं थकते हैं वही है वन एंड ओनली आलिया भट्ट। आलिया 15 मई 1993 को भट्ट परिवार में जन्मी आलिया शुरू से ही गोलमटोल हुआ करती थी जिसकी वजह से स्कूल में उन्हें काफी ज्यादा सताया जाता था और हमेशा उनका भी गाल पकड़कर गुगली गुगली वुक्स किया जाता था। पढ़ाई में ज्यादा दिलचस्पी ना रखने वाली आलिया ने शुरू से ही ठान लिया था कि गुरु बनना तो मुझे एक्ट्रेस ही है। कभी कभी जब उन्हें अपनी एक्टिंग करने की तड़प बर्दाश्त नहीं हुआ करती और महेश भट्ट अपनी बेटी को अकेले रूम में देखते हैं कि शीशे के सामने उनकी बेटी करीना और ऐश्वर्या की नकल कर रही है, ये सब देखकर थक चुके महेश भट्ट ने आलिया को एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट लॉन्च करने की सोची। और फाइनली 1999 में आई खिलाड़ी कुमार और प्रीति जिंटा की फिल्म संघर्ष में सिर्फ 6 साल की उम्र में आलिया ने अपना डेब्यू किया। इस फिल्म में वो प्रीति जिंटा के बचपन का रोल प्ले करते हुए नजर आई। गुरु सब कुछ मक्खन की तरह जाता हुआ दिखता तो है पर होता नहीं, वैसे ही आलिया को भी बचपन में रिजेक्शन का सामना करना पड़ा, और भैया किसी और से नहीं बल्कि गंगूबाई के डायरेक्टर संजय लीला भंसाली से। संजय लीला भंसाली ने आलिया के चाइल्ड ऑडिशन को अपनी मूवी के लिए रिजेक्ट कर दिया। और वो कहते हैं ना कि कामयाबी इतनी हासिल करो कि आपके हेटर्स भी आपके फैन हो जाए। भट्ट परिवार में जन्मी आलिया भट्ट शुरू से ही अपने पापा से ज्यादा क्लोज नहीं थी। आप बड़ों के पास अपने बच्चों के लिए टाइम ही कहाँ था। अगर आप भट्ट परिवार के काले राज जानना चाहते हो तो मेरी ये वाली वीडियो जरूर देखना। अपनी बहन पूजा भट्ट के करियर को देखकर आलिया को एक बात तो अच्छे समझ में आ चुका था कि बापू सेहत के लिए बहुत हानिकारक है, और इंडस्ट्री में 2012 में स्टूडेंट ऑफ द ईयर से डेब्यू करने के बाद आलिया ने इस कार्टून को अपना गॉडफादर मान लिया। शुरू से ही एक्टिंग को एज अ करियर बनाने की चाहत रखने वाली आलिया ने 12 के बाद से एक्टिंग क्लासेस में जाने की ठान ली। पर वीडू हमारे जौहर साहब की नजरों से इस हीरे को कौन बचा सकता था, और करण जौहर ने स्टूडेंट ऑफ द ईयर के ऑडिशन के लिए आलिया समेत 500 लड़कियों को बुला लिया, और बिना ड्रामा क्लास गए हुए भी खुद से एक्टिंग सीखने वाली आलिया ने करण के गुड बुक्स में बहुत जल्दी अपनी जगह बना ली। पर शुरू से स्लिम फिगर ना रखने की वजह से करण ने उन्हें इस रोल के लिए वेट लॉस करने को कहा। पर गुरु जब एक्टिंग का भूत सर पर सवार हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता। कुछ ही महीनों के अंदर में आलिया ने 16 केजी वेट लॉस किया और आ गई बॉलीवुड की जीरो फिगर के लिस्ट में। 19 साल की एज में ही आलिया ने दो नए चेहरे वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ काम किया, और बॉक्स ऑफिस पर इन तीनों की जोड़ी ने कमाल कर दिया। 50 करोड़ में धर्मा प्रोडक्शन के अंदर बनी इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 109 करोड़ का कलेक्शन किया, और करण की भी इस फिल्म से चल पड़ी। पहली फिल्म से सबकी चहेती बनी
आलिया ने अपने पापा को थैंक यू फॉर नॉट सपोर्टिंग का कार्ड भी भेजा और अपने पापा को बता दिया कि जो कांड उन्होंने अपनी बड़ी बेटी के साथ किया उससे आलिया काफी दूर रहने वाली। जमुना बाई नर्सरी स्कूल से पढ़ाई करने वाली आलिया भट्ट ने अपनी प्यार की कहानी भी अपनी पहली मूवी से ही शुरू कर दी, जहां उनके पहले चुम्बन आई मीन सिद्धार्थ मल्होत्रा को डेट करने की खबर मीडिया में काफी पॉपुलर भी हुई। स्टूडेंट ऑफ द ईयर के सुपर हिट होने के जस्ट बाद इम्तियाज अली ने आलिया को अपने ड्रीम प्रोजेक्ट जिसे वो टीवी पर ऑलरेडी बना चुके थे उसे ऑफर कर डाला। और किसी भी न्यू एक्टर या एक्ट्रेसेस के लिए हाईवे जैसी मूवी में रोल पुल अप करना आसान काम नहीं था, पर अपनी लगन से आलिया ने वीरा के कैरेक्टर में जो जान फूकी कि हाईवे ने क्रिटिकली बहुत नाम कमाया। और गुरु जहां करण ने आलिया करियर को चांद तक पहुंचाया तो वहीं गड्ढे खोदने का काम भी इन्हीं भाई साहब ने किया। कांड विद करण के शो में प्रेसिडेंट को पृथ्वीराज चौहान बताने वाली भट्ट साहब की सुपुत्री को लोगों ने जमकर ट्रोल किया और सबने आलिया की पढ़ाई लिखाई से लेकर उनके परवरिश पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। और भाई करे भी क्यों ना भाई साहब, अब जिस देश में रह रहे हो उसी के प्रेसिडेंट का नाम आपको नहीं पता हो। देश से याद है गुरु, तुम में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि आलिया के पास इंडियन सिटीजनशिप है ही नहीं, बल्कि बंदी ने उस देश का सिटीजनशिप ले रखा है जिन्होंने यहाँ सालों तक रूल किया था। अक्षय को तो लोग कैनेडियन कुमार कहकर बहुत ट्रोल मारा करते थे, लेकिन आज आलिया जैसे स्टार्स से छोड़ो यूट्यूबर्स भी फॉरेन सिटीजनशिप और फॉरेन गर्लफ्रेंड सब कुछ विदेशी माल लेकर घूम रहे हैं। समझ रहे हो ना क्या टॉपिक पर आते हैं। कॉफी विद करण के बाद लोगों को लगने लगा कि भट्ट साहब की बेटी उन्हीं की तरह दिमाग से थोड़ी पैदल है, पर गुरु आलिया ने ट्रोलर्स को बहुत स्मार्टली जवाब दिया और कई बार तो मीडिया इंटरव्यू में खुद का मजाक बनाते हुए भी दिखाई दी। क्योंकि किसी ने सही कहा है मेरी जान कि लोग जब तुम्हारा मजाक उड़ाए तो उन्हें जवाब ना देकर खुद पर हंसना शुरू कर दो, उनका मजाक तुम्हारे लिए खुद बंद हो जाएगा। जहां इनकी करियर की शुरुआत ही ट्रोलिंग से हुई, वह आज के समय में आलिया एक ऐसा नाम है जो किसी भी कॉन्ट्रोवर्सी या ट्रोलिंग से बिल्कुल भी दूर रहती है और कभी भी इन दलदलों में नहीं फंसती। और उनकी फैन फॉलोइंग अब सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि बाहर के देशों में भी काफी ज्यादा है। और 2023 के नेटफ्लिक्स हॉलीवुड फिल्म हर्ट ऑफ स्टोन में आलिया ने एक्टिंग के मामले में गोरो तक को चैलेंज कर डाला। सीन व्हेन केया एंड रेचल आर abandoned together in the desert, they have nowhere to go and they're just kind of stuck with each other. बचपन से ही सिर्फ एक्टिंग ही नहीं बल्कि डांसिंग और सिंगिंग का भी फुल पैकेज लेकर आने वाली आलिया भट्ट ने बहुत ही कम उम्र में फेमस समक दवर डांसिंग स्कूल में एडमिशन ले लिया था और सिंगिंग ग्रेट एआर रहमान के अंदर सीखना भी शुरू कर दिया था। बचपन से ही बहुत बड़े स्टार बनने के शौक को आलिया ने कई सारे इंटरव्यूज में भी बताया था। आलिया आई थिंक हैज प्लान्स टू बी डीपली इंटरेस्टेड इन फिल्म इंडस्ट्री। 2014 में ही हाईवे के साथ साथ आलिया ने टू स्टेट्स और बद्रीनाथ की दुल्हनिया से बॉक्स ऑफिस की क्वीन बनी। जहां 30 करोड़ में बनी टू स्टेट्स ने इंडिया में 80 करोड़ का कलेक्शन किया, तो वही 40 करोड़ में बनी बद्रीनाथ की दुल्हनिया ने वर्ल्ड वाइड 200 करोड़ का कलेक्शन करके प्रूव कर दिया कि गुरु मूवी सिर्फ हीरो से ही नहीं चलती। टू स्टेट्स के साउथ इंडियन कैरेक्टर को क्रिटिक्स ने काफी पसंद किया और जहां टिपिकल बॉलीवुड मूवीज में अब तक साउथ इंडियन कैरेक्टर्स को डम मंदबुद्धि दिखाया जाता था, तो आलिया ने कई महीनों तक साउथ इंडियन लैंग्वेज सीखी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि इसका फल उन्हें 5 साल बाद मिलेगा, जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। शुरू से ही काफी इमोशनल बिंग रही आलिया भट्ट का जानवरों से काफी लगाव रहा है, जिसकी वजह से वो स्ट्रीट डॉग एडॉप्टेशन कैंपेन्स में भी पार्टिसिपेट करते रही हैं। हाँ, वो बात अलग है कि मैडम लेदर के बैग से लेकर लेदर के दूसरे प्रोडक्ट्स धड़ल्ले से इस्तेमाल करती हैं। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। 550 करोड़ का नेटवर्क रखने वाली आलिया भट्ट ने बिजनेस में भी सक्सेसफुली अपना हाथ जमाए रखा, जहाँ वो बच्चों की फेमस क्लोथिंग ब्रांड एड मामा की फाउंडर भी हैं। Edamama combines two things I care deeply about, our planet and our children. So, I decided to create a world that nurtures in children a love of nature. शुरू से ही कुछ कुछ होता है जैसे मूवीज में काम करने की चाहत रखने वाली आलिया भट्ट का सपना फाइनली करण जौहर ने पूरा कर डाला। पर अनलाइक बाकी स्टार्स जो सिर्फ ग्लैमर और बड़े स्टार्स के साथ स्क्रीन शेयर करने में बिलीव करते हैं, आलिया ने अपने मेल को स्टार्स तक को स्टारडम में काफी पीछे छोड़ डाला और कंटेंट बेस्ड मूवी से क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों को इम्प्रेस किया, जिसमें उड़ता पंजाब, डियर जिंदगी और राजी ने बॉलीवुड की गलियों में ये खबर फैला दी कि गुरु श्रीदेवी के बाद पहली बार कोई फीमेल एक्ट्रेस इतने पावर पैक परफॉर्मेंस देने का गुदा रखती है। लेजेंडरी एक्टर्स जैसे मनोज वाजपेयी और पंकज त्रिपाठी तक ने आलिया की खूब तारीफ की और पंकज सर ने तो उन्हें उड़ता पंजाब के रोल के लिए खुद ट्रेन भी किया। और उनकी बिहारी बोलने से लेकर बिहारी हरकतों तक आलिया की सारी कमान पंकज त्रिपाठी ने संभाली और एक सच्चे शिष्य की तरह आलिया ने अपने परफॉर्मेंस से अपने गुरु का खूब नाम रोशन किया। राजी जैसी फीमेल लीड मूवी जिसमें सारी एक्ट्रेसेस ने काम करने से अपने हाथ खड़े कर लिए थे। मैं चाहता हूँ तुम मेरी जगह ले लो, हिंदुस्तान की आंख और कान बनके हमारे इंटरनेट मैसेज इंटरसेप्ट। हिंदुस्तान के साथ हमारे हालात काफी सख्त होने वाले हैं।
वही आलिया ने इंडियन स्पाई सहमत के कैरेक्टर को इस फिल्म में इस तरह परफॉर्म किया कि मैं भूल गया कि मैं कोई फिल्म देख रहा हूँ, और इसलिए सिर्फ 35 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 200 करोड़ का कलेक्शन किया, और इस फिल्म का वो इमोशनल सीन कब मीम में तब्दील हो गया किसी को पता ही नहीं चला। मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। वुमेन एम्पावरमेंट पर बेस्ड होने द बेस्ट फिल्म राजी के बाद से ही लोगों का नजरिया आलिया के लिए बदलना शुरू हो गया। मतलब ये फिल्म उनके करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुई। शुरू से ही सुपरहिट फिल्मों का मीठा स्वाद चखने वाली आलिया भट्ट को 2015 में पहली बार डिजास्टर फिल्म शानदार का कड़वा स्वाद भी चखना पड़ा। शाहिद कपूर और आलिया भट्ट की इस मूवी को क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों ने जमकर पेला। और भैया आलिया के फैंस तो छोड़ो, कुत्ते भी नहीं गए बसंती का नंगा नाच देखने। 70 करोड़ में बनी इस मूवी ने सिर्फ 40 करोड़ कमाए और प्रोड्यूसर डिस्ट्रीब्यूटर्स आलिया को लेकर भी अपना लॉस करवा लिए। पर भाई भट्ट परिवार की चतुर बेटी ने अगले ही साल किंग ऑफ बॉलीवुड शाहरुख खान के साथ कोलैबोरेट किया और दी सुपरहिट फिल्म डियर जिंदगी। एसआरके ने भी इंटरव्यू में आलिया की जमकर तारीफ की और उन्हें बॉलीवुड लेडी सुपरस्टार तक डिक्लेयर कर दिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, द वन एंड ओनली, द टॉप मोस्ट एक्ट्रेस एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द वर्ल्ड। उड़ता पंजाब और राजी जैसी मूवीज के लिए बेस्ट एक्ट्रेसेस का अवार्ड जीतने वाली आलिया भट्ट ने खुद के प्रोडक्शन हाउस भी लॉन्च किया और 2022 में एसआरके की रेड सीरीज के साथ कोलैबोरेट करके बनाई डार्लिंग। ओटीटी पर रिलीज हुई ये फिल्म एक दिन में ही मोस्ट वॉच्ड मूवीज की लिस्ट में भी शामिल हो गई। मूवी में हमजा के कैरेक्टर को भी पहले एसआरके प्ले करने वाले थे, पर गुरु डेट इश्यूज की वजह से हम किंग और क्वीन का कोलैबोरेशन दोबारा से देखने को नहीं मिला। शाहरुख खान साहब हमजा प्ले करना चाहते थे। ये मुझे बहुत अर्ली स्टेजेस में किसी ने बताया था, मैं एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, रेड चिलीज में ही हुआ था ये। इसके अलावा 2019 की हिट फिल्म गली बॉय में भी इन्होंने जबरदस्त काम किया और इसी वजह से इस फिल्म ने भी 238 करोड़ का कलेक्शन किया। तू शुक्र कर उसकी गर्दन नहीं तोड़ी मैं, अभी एक ही लाइफ है, एक ही तो है, ऊपर से वो घुस रही है बीच में, गुस्सा नहीं आएगा क्या? गुरु कंट्रोवर्सी से हमेशा दूर रहने वाली आलिया को अपने करियर की शुरुआत में एक डांस परफॉर्मेंस के लिए काफी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। हुआ कुछ ऐसा कि मुजफ्फरनगर दंगों के बाद तुरंत बाद मैडम ने एक डांस परफॉर्मेंस दिया और भैया मीडिया ने एक इररिस्पॉन्सिबल एक्ट्रेस तक बुलाना शुरू कर दिया, और जहां उनके पापा से लेकर सलमान भाऊ सब ने आलिया की इस गलती को एक्सेप्ट किया। भारी मिस्टेक हो गया सर। साहू और गोलमाल अगेन जैसे बिग बजट मूवी को रिजेक्ट करने वाली आलिया ने ठान लिया था कि भाई मुझे फीमेल लीड रोल वाली फिल्में ही करनी है, और इन सब मूवीज को ना चुनकर उन्होंने अपने करियर का सबसे बड़ा रिस्क लिया और साइन की संजय लीला भंसाली की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी। फीमेल माफिया पर इससे पहले भी श्रद्धा कपूर ने हसीना पारकर का रोल प्ले किया था, पर गुरु ऑडियंस ने उनकी मूवी और परफॉर्मेंस दोनों को कचड़े में डाल दिया था। और लाइक श्रद्धा कपूर, आलिया को भी इस रोल के लिए काफी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। लोगों का तो कहना था कि आलिया जैसे बेबी फेस गंगूबाई जैसे कैरेक्टर्स को सपने में भी प्ले नहीं कर सकता, और सच बताऊं तो मुझे भी ऐसा ही लगता था। और जब 25 फरवरी 2022 को ये मूवी रिलीज हुई तो बॉलीवुड के अंदर से लेकर बाहर तक सबकी आंखें आलिया को देखकर फटी की फटी रह गई। Who is your favorite actor currently, like the new age from the new guys? Yeah, is there anyone you like? My favorite actor is definitely Alia Bhatt. Oh, yeah. I saw her in Gangubai. Bro, Gangubai, yeah. Gangubai is great. I haven't watched. When I heard of Gangubai that Alia is going to be playing this madam in a brothel. Yeah. So I said, what? It's got, people have gone nuts. Yeah, she's got such a cute baby face. Yeah. And you know, that kind of the face innocence, which suits the beginning of the film when she's coming. Sort of, I haven't watched she's ambushed and taken into the quota. But I said, like, how is she gonna carry off being a madam? And she did it brilliantly, because by the end of the movie, I'm going like, wow. Yeah. When that last speech, by the time it came to that last speech, I said, man, she just, you could believe it that she was the madam. Yeah. All that baby. Yeah, Ajay Devgan ke cameo ne movie mein extra masala add kiya aur movie ka box office collection aur badha diya. Even lockdown ke baad jahan sare filmmakers ki halat batli thi aur pajama dheela tha, to bhai 50 crore ke budget mein bani Gangubai Kathiawadi ne worldwide 209 crore ka collection kiya. Aur producer distributors ki to chandi chandi ho gayi. Aur is film ko 69th National Film Award mein 5 award bhi mile. To kisi bhi film ke liye ek bahut badi achievement hai. बापू ने मेरी वजह से गंगा जल 30 सेकंड बाकी है। ए, क्या 30 सेकंड लगा रखा है? बापू मर गए हैं मेरे, ये बात मैं झेलू 30 सेकंड में? बना राज है, बात नहीं करना चाहती, उनको मनाना है, समझाना है, पिछले 12 साल की बातें करने हैं, कैसे करूं मैं 30 सेकंड में? और गुरु सिर्फ एक बार नहीं है, सारके से पहले आलिया ने बॉलीवुड को 2022 में ही दो और सुपरहिट मूवीज देकर प्रूव कर दिया कि बेटा हम छोटी बच्ची नहीं, छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। ब्रह्मास्त्री वो फिल्म नहीं जिस पर आलिया और रणवीर दोनों ने 10 साल का लंबा टाइम दिया। फाइनली मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 4 डाला और गुरु बायकॉट के जाल में फंसने के बावजूद भी इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 418 करोड़ का कलेक्शन किया। और भैया फिल्म के डायरेक्टर अयान मुखर्जी के माने तो इसका सेकंड और थर्ड पार्ट जल्दी ही आने वाला है, और सोर्सेज के
माने तो दोनों की प्रेम कहानी भी आयान भाई के सेट से ही शुरू हुई थी। जहाँ रणवीर आलिया के चाइल्डहुड क्रश थे, तो वहीं रणवीर को भी इस कालिया दुनिया ने बहुत धोखे मिले थे, इसलिए आलिया उन्हें पसंद आ रही थी। भैया 2022 में दोनों ने अग्नि को साक्षी मानकर एक साथ मरने जीने की कस्में ली। भैया शादी के 9 महीने भी पूरे नहीं हुए थे कि तभी बेबी आलिया मीडिया के सामने आ गई। मतलब रणवीर भाव बड़े उतावले थे भाई। और फिर क्या था भैया, राह को देखकर वायरल भयानी वालों को तैमूर के बाद एक और नया कंटेंट मिल गया। मतलब साला रात दिन इनके चैनल पर यही चलते रहता है। टू स्टेट्स में तमिल सीखने के बाद जब आलिया को राजा ऑफ डायरेक्शन यानी SS राजा मौली की फिल्म RRR ऑफर हुई, तो उनके लिए तेलुगु सीखना भी कुछ ज्यादा टफ नहीं रहा। RRR में एक्सटेंडेड कैमियो कर राम की सीता बनी आलिया ने अपने भोले अंदाज से लोगों के दिलों और बॉक्स ऑफिस में काफी बड़ी जगह बनाई, और सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं पैन इंडिया लेवल पर भी अपनी पहचान बनाई। गुरु 5 साल की उम्र में संजय लीला भंसाली से रिजेक्ट होने वाली आलिया भट्ट पंगू भाई से पहले भी इनके साथ इंशाअल्लाह मूवी में अपोजिट टू सलमान काम करने वाली थी, पर भाईजान की वजह से ये सब नहीं हो सका। आलिया को भंसाली साहब की वजह से रिजेक्ट होने का इतना दुख था कि उन्होंने रणवीर भाई से भंसाली को इम्प्रेस करने की टिप्स भी मांगी थी। इवन विद रणवीर आई रिमेम्बर कॉलिंग हिम अप एंड we were just generally chatting and I was like okay tell me what I can do, you know, like how can I impress sir and like basic things like that and ऐसे ही नीरजा मूवी में पहले आलिया को ही ऑफर हुई थी, पर छोटी हाइट की वजह से मेकर्स ने उन्हें साइडलाइन कर सोनम कपूर को चूज कर लिया था। वैसे भाई लोग तुम्हें क्या लगता है, अगर आलिया नीरजा का रोल प्ले करती तो क्या अनिल कपूर की बेटी उनके आगे टिक पाती? कमेंट में बताना। सारे बड़े एक्टर्स की तरह 2020 में लेट सुशांत भाई के मर्डर के बाद सबने भट्ट परिवार को भी आड़े हाथ लिया, जिसकी शिकार आलिया भट्ट भी हुई। अपनी दीदी की कमबैक मूवी सड़क तू में काम करना उनके लिए सबसे बड़ी गलती साबित हुई। इस मूवी को ऑडियंस ने जमकर बॉयकॉट मारा, और भाई इसकी IMDb रेटिंग पर नजर डालोगे तो ये लेजेंडरी देश दोही को टक्कर देती है। सलमान भाव की इंशाअल्लाह की तरह फरहान अख्तर की 3 हीरोइन के लीड रोल फिल्म जीले जरा को भी बंद करना पड़ा, और 3 फीमेल सुपरस्टार्स को एक साथ देखना उनके फैंस के लिए सपना ही रह गया। और इस पर मैं फरहान भाई को एक ही बात बोलूंगा, ख्वाब दिखाता है मादर जात पूरी देंगे साला। पर फिर चाहे मूवी हिट हो या फ्लॉप, आलिया की मेहनत को दूरबीन लेकर खोजने की भी जरूरत नहीं पड़ती। बंदी हर मूवी में अवार्ड विनिंग लेवल की परफॉर्मेंस करते हुए नजर आती हैं, चाहे वो राजे के लिए गन और फाइटिंग सीखना हो या कलंक के लिए कथक और उर्दू, RRR और गली बॉय जैसे छोटे रोल्स हो या गंगूबाई जैसी फुल फीमेल लीड रोल, आलिया ने एज अ परफॉर्मर हर बार अपने आप को प्रूव किया। और भाई साहब इनकी फ्यूचर लाइनअप देखकर एक बात तो समझ में आ गई है कि ये फिर से बॉक्स ऑफिस पर रूल करने वाली हैं। आलिया वापस से अपने गॉडफादर करण जौहर के साथ कोलैबोरेट करते हुए दिखाई देंगी। जिगरा एक एक्शन मूवी होगी जो गुरु तुम्हें इसी साल सितंबर तक देखने को मिलेगी। एस्ट्रा वर्स की शुरुआत करने वाले बॉलीवुड के मोस्ट पावरफुल कपल रणवीर और आलिया इसके दूसरे और तीसरे पार्ट्स में भी दिखाई देंगे। और भाई उड़ती उड़ती खबर आ रही है कि रणवीर और दीपिका भी इसमें दिखाई देंगे। और जो भी हो भाई, इतने अच्छे जाते हुए करियर को दीपिका ने कैसे कॉन्ट्रोवर्सीज में बदल कर आलिया को क्वीन बना डाला, इसे देखकर तो मैं भी सदमे में हूँ। कॉन्ट्रोवर्सीज में दिन रात इन्वॉल्व होने वाली दीपिका ने आलिया के लिए पूरा मैदान खाली कर दिया। और अगर आप भी दीपिका पादुकोण पर एक वीडियो चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताना। गंगूबाई में फोड़ने के बाद आलिया इस बार अपने पति परमेश्वर के साथ संजय लीला भंसाली की फिल्म लव एंड वॉर में दिखाई देंगी। तो भैया आलिया भट्ट अपने खानदान पर लगे दाग को धोने में तो सक्सेसफुल रही, और आज उनके नाम से उनके पापा और पूरी फैमिली को जाना जाता है। और जैसे इनकी अपकमिंग लाइनअप दिख रही है गुरु, आने वाले कुछ समय के बाद अगर इनकी फीस बड़े बड़े एक्टर्स के बराबर भी हो जाएगी तो मैं शॉक्ड नहीं होऊंगा। वैसे इस वीडियो का बेस्ट पार्ट तुम्हें कौन सा लगा कमेंट में बताना। तब तक के लिए हर हर महादेव।